मॉर्निंग थर्ड क्लास, दिस इज आर चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ लेंथ एंड वीडियो नंबर 9 ऑफ दिस लेसन। अभी तक हम इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, अब हम डिवीजन के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द डिवीजन ऑफ मैट्रिक यूनिट्स इज डन इन द सेम वेज एज नेचुरल नंबर। तो जिस जो इसकी मैट्रिक यूनिट्स हैं इस लेसन की, यानी कि लेंथ की मैट्रिक यूनिट्स को भी हम वैसे ही डिवाइड करते हैं जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स को करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसे कि देखिए 85 मीटर को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दिया गया है जिस तरीके से आप नॉर्मल नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मीटर और सेंटीमीटर, इसमें आपको पहले कन्वर्जन करना होगा, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे आप, इस क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में समझेंगे। देखिए यहाँ आपको दिया गया है, आपको डिवाइड करना है इसको 17 मीटर को 20 सेंटीमीटर बाय 8 से। ठीक है, आपको ये डिवाइड करना है, तो जो ये मीटर वाली यूनिट है आपको इसे सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में आपके जो होंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले हम जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका 17 है, तो 17 मीटर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 17 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 17 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। अब हो गया, अब 170 सेंटीमीटर में आप प्लस कर दोगे 20 सेंटीमीटर को, जब आप ऐसा करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आएगा 1720 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस डिजिट को आप डिवाइड करना है आपको 8 से। ठीक है, अब आप सिंपल तरीके से उसे डिवाइड कर पाएंगे, किस तरीके से, देखिए 1720 को जो है आपको 8 से जो है डिवाइड करना है, 8 2 जो 16, 1 के बचा देन 2 लिया, 8 1 जा 8, 4 बचा ऊपर से 0 लिया, 8 5 जा 40, ये कट गया। ठीक है बेटा, अब जो ये आपकी 2 डिजिट, क्योंकि जो ये होगा ये आपका अब देखिए आप 215 को यानी कि 215 को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये आपका बेटा 200 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसी फॉर्म में दिया गया था, तो हमने इसी फॉर्म में इसका आंसर वापस किया है। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपको दिया गया है सेम यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, किलोमीटर को, और जो 15 किलोमीटर है और 20 मीटर है उसको डिवाइड करना है 9 से, तो आप पहले किलोमीटर की यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सी पार्ट देखिए, किलोमीटर की जो ये यूनिट है क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 15 किलोमीटर एंड 21 मीटर, 15 किलोमीटर एंड 21 मीटर को डिवाइड करना है आपको 9 से। ठीक है, 9 से आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो आपका आ जाएगा ये 15000 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो ये डिजिट आई, अब 15000 मीटर में आप प्लस कर देंगे 21 मीटर को, तो आपका आंसर क्या आएगा, 15000 जो होता है 1050 21 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इसे प्लस करेंगे। अब आप इस डिजिट को जो है डिवाइड करेंगे 9 से, जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, 9 1 जो 9, 6 बचा ऊपर से 0 लिया, 9 6 जो 54, देन आपका 6 बचा ऊपर से 2 कैरी किया, 62 से छोटी संख्या जो होती है आपकी 54 होगी, 9 6 जो 54, फिर यहाँ पे आपका 8 बचेगा और ऊपर से हम 1 लेंगे। ठीक है, ऊपर से आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 9 जा 81, ये आपका कट गया। अब आप इसको क्या आया आपका आंसर, 1669, ये आपका आंसर आया। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको ये 15 किलोमीटर और 21 मीटर में दिया गया था, तो ये आपको आएगा 16 किलोमीटर एंड 69 मीटर, इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, 1 किलोमीटर, क्योंकि 16 किलोमीटर नहीं होगा 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि आपका जो 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं, राइट, कन्वर्जन आपको सिखाया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग उसके ही 1 जो है 1 किलोमीटर और यहाँ पे 669 मीटर आपका आंसर आएगा। बेटा ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज देखिए 3.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। आपको डिवाइड करके बताना है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल 72 सेंटीमीटर को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, जैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ए बी एंड सी आप खुद से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ये भी आप खुद से करेंगे। यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग, आप सिंपल ही डिवाइड है, आप खुद से इसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए डिवाइड द फॉलोइंग, इसको भी आपको बता दिया गया किस तरीके से करना है। मैं एक एग्जांपल इसका करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ए पार्ट है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का आपको ए पार्ट दिया गया है। 207 किलोमीटर और 6 मीटर को आपको डिवाइड करना है 6 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, राइट। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं आपके 1000 मीटर, इतना ही होता है। तो 207 को जब आप 207 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को कन्वर्ट में करेंगे, तो क्या होगा, 207 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा, एंड इसके बाद, यानी इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें ये इसमें आपको 6 मीटर जो है प्लस कर देना है। यानी कि आपको ये जो दिया गया है 207,000 जो आपको मीटर है, इसके अंदर आपको प्लस करना है 6 को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 207, यहाँ पे ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 206, जो ये आपका मीटर में दिया गया, इसको आंसर आ गया। अब इस नंबर को आप जो है 6 से डिवाइड करेंगे, आपको अब नंबर मिल गया है 207, इसको आप 6 से आप डिवाइड करेंगे। ओके, किस तरीके से आप 6 डिवाइड कीजिए, से 6 3 18, ये यहाँ लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए की बात है। 6 3 18, 20 में से 18 क्या बच्चे 2, नेक्स्ट 7 उतारा, 6 4 24 बच्चा 3, ऊपर से लिया 0, देन उसके बाद 6 5 30, ठीक है, ये कट गया। ऊपर से हम 6 लेंगे, 0 एंड 6 आ जाएगा साथ के साथ। तो अब बेटा ये जो 0 एक साथ, ये दो नंबर डिजिट उठ रही हैं, मतलब ली हैं हमने, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। देन आपका क्या आएगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, अब 6 1 6, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर आया। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे आप, हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था, तो हमें कन्वर्ट जैसे कि इस फॉर्म में ही हमें इस आंसर को उन्हें वापस दिखाना है करके। तो ये आपका हो जाएगा 34 किलोमीटर 500 मीटर 501 मीटर। इस तरीके से आप इस आंसर को करेंगे, ठीक है बेटा। इसी के बाकी के जितने भी बात हैं आपको सारे इसी तरीके से करने हैं, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल में करके बताया, सी डी ई एफ। आप बाकी के पास आप खुद सॉल्व करेंगे नोटबुक के अंदर। अब आपको देखिए सिंपल ही है, डिवाइड दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग, आप इसको किस तरीके से करेंगे, नोटबुक लीजिए और देखिए ए पार्ट आपको दिया गया ऑलरेडी, उन्होंने इस फॉर्मेट में दे दिया कि ये जो 125 मीटर की यूनिट है और ये जो 76 है सेंटीमीटर की यूनिट है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। 4 2 4 3 12, 0 बचा, ऊपर से 5 लिया, 5 1 4 1 4, 1 बचा। अब देखो बेटा ये जो यूनिट थी ना, ये हमारी किस चीज की थी, मीटर की थी। तो पहले याद रखेंगे जो यूनिट है हमारी मीटर की है, ओके। अब सेंटीमीटर की जो यूनिट है उनको ले लेंगे यहाँ पे 7, 4 4 16, 17 में से 16 क्या बचा, 1, ऊपर से 6 लिया, 4 4 16, ये कट हो गया, ओके। अब ये है आपकी किसकी यूनिट थी, सेंटीमीटर की यूनिट थी। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 31 34 31 meter and 44 centimeter, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो बी और सी पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, किलोमीटर और मीटर की यूनिट है, आंसर जो आएगा किलोमीटर या मीटर में होगा, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.6 है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसका करना है खुद से नोटबुक के अंदर, और जो बाकी की हमारी वर्ड प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसे कंटिन्यू करेंगे। अब